हेलो एवरीवन दिस इज दिनकर भारती एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल आर्ट एंड फैशन बाय दिनकर इस वीडियो में हम आज सीखेंगे क्लास सिक्स स्टैंडर्ड्स ये माय आर्ट बुक से पेज नंबर फिफ्टी थ्री की ड्राइंग और पेज नंबर फिफ्टी थ्री पे जो ड्राइंग है वो है एक पोस्टर ड्राॅइंग और जो पोस्टर है उसमें दिखाया गया है ट्रैफिक के रूल्स रेगुलेशन और ट्रैफिक का एक पोल जिसपे रेड ऑरेंज एंड ग्रीन सिग्नल होते हैं सो आइए स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट एंड फैशन बाय दिनकर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जल्दी से जल्दी जितने भी जो वीडियो अपलोड होते हैं वो सबसे पहले आपको दिखे सो आइए स्टार्ट करते हैं ये ड्राइंग लेकिन उससे पहले थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि बेसिकली ये ड्राइंग आपके सिलेबस में रखी क्यों गई है क्योंकि आपको ट्रैफिक के लिए अवेयरनेस बता पता बत, चले आपको नॉलेज मिले कि इन तीनों जो लाइट्स हैं रेड ऑरेंज और ग्रीन इसका यूज़ क्या है बेसिकली जब आप किसी भी ट्रैफिक सिग्नल को क्रॉस करते हैं या किसी भी सर्कल को क्रॉस करते हैं तो इस तरह के पोल आपको देखने को मिलते हैं और अगर उसमें रेड लाइट अगर ऑन है दैट मीन्स वो सिम्बल uh, क्रिएट करता है कि आपको वहीं पे स्टॉप हो जाना है आपको वो सर्कल क्रॉस नहीं करना है लेकिन जैसे ही वो रेड लाइट ऑफ होके ग्रीन लाइट का सिग्नल आता है तो ग्रीन लाइट होता ही इसका मतलब होता है कि नाव यू कैन मूव यू नाव यू कैन क्रॉस द सिग्नल आप उस सर्कल को क्रॉस कर सकते हो और अपना जहां पे भी जाना है उस सर्कल को क्रॉस करके आप मूव कर सकते हैं सो बेसिकली रेड और ग्रीन के ये मीनिंग होते हैं रेड के लिए होता है स्टॉप और ग्रीन का मीनिंग होता है मूव और कभी कभी जैसे इवनिंग आवर्स आफ्टर नाइन ओ क्लॉक और टेन ओ क्लॉक ईवनिंग में जब ट्रैफिक का प्रेशर बहुत कम हो जाता है और कुछ ही व्हीकल्स जब रोड पे चलते हैं तब उस कंडीशन में वहाँ पे एक ऑरेंज लाइट जो होती है सेंट्रल लाइट वो ब्लिंक करती है उसका मतलब होता है कि आप अपने रिक्स पे आपको सर्कल को देखना वहाँ पे कोई पुलिस मैन नहीं है कोई ऑपरेटर नहीं है आपको खुद को देख के सावधानी से अपना वो सर्कल क्रॉस करना है क्योंकि ट्रैफिक कम है तो उसको कंट्रोल करने के लिए वहाँ कोई नहीं है अब आपको खुद को सावधानी बरतनी है और आपको देख के खुद को वो सिग्नल क्रॉस करना है ठीक है सो इसके और जो पीछे का जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो पूरा येलो होता है तो इस पूरी ड्रॉइंग में आपको यही समझाने के लिए ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में रखी गई है तो इसके स्टार्ट करते हैं ड्रॉ करना सो so, ड्रॉ करने के लिए आपको ज़रूरत होगी एक वाइट शीट की और वाइट शीट पर आप जो ड्रॉइंग करेंगे वो करेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में दैट मीन्स पोर्ट्रेट मोड में फिर आपको ज़रूरत होगी स्केल की पेंसिल की एंड पोस्टर कलर की और जब हम पोस्टर कलर की बात कर रहे करें तो कॉमन सी बात है कि आपको ब्रश और कलर पैलेट की भी ज़रूरत हो होगी so, आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस ड्राइंग को ड्रॉ करना so, ड्रॉइंग को ड्रॉ करने के लिए आपको जो आपका शीट है उससे अप्रोक्सीमेट इतने डिस्टेंस थोड़ा सा ऊपर से हाइट छोड़ दीजिएगा और वहां से आपको हाफ जो डिस्टेंस है उस वन एंड हाफ डिस्टेंस से गैप रखते हुए आपको एक डॉट ड्रॉ करना है और उसी डॉट से ऑलमोस्ट सिक्स इंचज डाउन बिल्कुल वर्टिकल एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है सिक्स इंच की वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स सो सिक्स इंच का बेसिकली आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है थ्री फोर फाइव एंड सिक्स और अब ये जो सिक्स इंच जो है ये इसको थ्री पार्ट में डिवाइड करना है तो कितना होगा टू टू इंचज सो वन टू एंड अगेन वन टू So, आपको थ्री पार्ट में इसको डिवाइड करना है अब आपको विड़थ रखनी है चाहे तो आप सेंटीमीटर में रखें और चाहे तो इंच में रखें सो so, अब हम इस वाले पार्ट में हम सेंटीमीटर यूज़ कर रहे हैं सो so, इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ फोर सेंटीमीटर और फोर सेंटीमीटर में ये हो गई हमारी विथ और अगेन नीचे की तरफ में हमने यूज़ किया फोर सेंटीमीटर फिर से फोर सेंटीमीटर पहले हम इसको कनेक्ट कर देते और फिर हम यहां से जो हमने टू टू जो गैप लिया था बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करेंगे गॉट इट ओके अब हम इसके ऊपर में थोड़ा सा और इसको डेकोरेटिव करेंगे सो so, इसके लिए हम यहां से थोड़ा सा ऊपर की तरफ में लाइन निकालेंगे एक्स्ट्रा लाइन और हाफ ऑफ सेंटीमीटर हम एक्स्ट्रा इसको आउटर निकाल रहे हैं थोड़ा सा हमने निकाला इसको यहाँ पे लाए और इसको कनेक्ट किया कुछ इस तरीके से ठीक है फिर आप यहाँ पे आए थोड़ा सा जो मेरी स्केल में ये ये सिर्फ आपका अंदाज़ा है आप फ्री हैंड भी कर सकते हैं कोई इशू नहीं है ठीक है एंड यहाँ से आपको स्ट्रेट जाना है और इसको कनेक्ट करना है सिर्फ इस पोल का एक ब्यूटी क्रिएट करने के लिए इसको रखा गया है ओके okay? अब आपको करना है इसके अंदर का वर्क सो so, अंदर के लिए सर्कल आपको ड्रॉ करना है थ्री लाइट आपको ड्रा करनी है सो थ्री लाइट के लिए आप यूज़ करेंगे कॉइन कॉइन यूज कर सकते हैं कंपास यूज कर सकते हैं अपने पोस्टर कलर की बॉटल आप यूज कर सकते हैं बेसिकली आपको एक सर्कल क्रिएट करना है सो आप यहां पे एक सर्कल क्रिएट करेंगे हो गया नेक्स्ट एंड नेक्स्ट ठीक है so, सो यहाँ पे अब आप यहाँ से थोड़ा थोड़ा सा इधर से बाहर की तरफ जाएंगे ऑलमोस्ट ये जो हमने सर्कल ड्रॉ किया है बिल्कुल सर्कल के टिप के ऊपर में ही आपको एक हाइट ये ले लेनी है और यहाँ से ऑलमोस्ट आप टू सेंटीमीटर बाहर की तरफ मूव करेंगे ठीक है एंड नीचे ये जब सर्कल एंड होता है या उस सर्कल के एंडिंग पॉइंट से वन सेंटीमीटर बट इट और फिर आप इसको कनेक्ट करेंगे सो so, यहां से आप इसको इस तरीके से सॉरी यहां पे मैंने यूज किया है हाफ सेंटीमीटर और ऊपर में हमने यूज किया है टू सेंटीमीटर ऐसे कुछ ऐसे फिर से देखिए इस हाइट पे टू सेंटीमीटर और इस हाइट पे हाफ सेंटीमीटर और फिर इसको कनेक्ट करने वाले और नीचे के लिए क्योंकि हमने यहाँ पे टू टू सेंटी फोर सेंटीमीटर का गैप रखा था तो फोर सेंटीमीटर के गैप का हाफ क्या है फोर सेंटीमीटर का है टू सो so, टू से हम यहाँ पे एक डॉट मार्क करेंगे और यहां से हम वन सेंटीमीटर और वन सेंटीमीटर का गैप लेंगे और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे अच्छा आपको नीचे की तरफ में ही ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है कुछ पोल में होता है कुछ में नहीं होता है आपकी जो बुक में दे रखा है उसमें नहीं है तो नहीं है बुक में तो अभी हम नहीं यूज कर रहे लिविट और बिल्कुल स्ट्रेट आपकी लाइन होनी चाहिए सो यहाँ पे आपका पोल भी रेडी है ओके अब आपको बनाना है नीचे का फुटपाथ और जो रोड एरिया है सो उसके लिए हम एक स्टैंडर्ड लेंथ ले लेते हैं यहाँ पे हम लेंगे फोर इंचेस वन टू थ्री एंड फोर फोर इंचेस पे एक डॉट मार्क करेंगे और थ्री एंड हाफ पे भी एक डॉट मार्क करेंगे सेम यहाँ पे वन टू थ्री फोर सो फोर पे हमको एक डॉट मार्क करना है और एक थ्री एंड हाफ पे और फिर आप इनको कनेक्ट करेंगे बैक साइड से बॉट इट सो यहाँ पर जाके हमारी ड्राॅइंग जो है वो कम्प्लीट हो रही है अब हम इसको करेंगे कलर सो कलर के लिए हम जैसा मैंने आपको बताया कि आपको पोस्टर कलर की नीड है सो so, यहाँ पर मेरे पास में कलर पालट है पोस्टर कलर है और अब सबसे पहले हम अंदर वाले पार्ट पे वर्क करेंगे अच्छा हम इसमें ब्लैक स्केच पेन भी यूज़ कर सकते हैं तो so, सबसे पहले ऊपर की तरफ में हमारा रेड सो so हम यहाँ पे रेड यूज़ कर रहे हैं पोस्टर में रेड कलर है अगर आपके पोस्टर कलर में रेड ना हो तो आप क्रिमसन भी यूज़ कर सकते हैं बट रेड अगर आप यूज़ करेंगे तो ज़्यादा ऑथेंटिक रहेगा बिकॉज रेड कलर अच्छा अगर आपके पास में पोस्टर कलर नहीं है तो आप कोई बात नहीं आप वाटर कलर से भी वर्क कर सकते हैं सो so, अभी हमारे पास में पोस्टर कलर है सो so हम यूज़ कर रहे हैं पोस्टर कलर मेक श्योर sure कि आप एक ही डायरेक्शन में मूव करें फिर नेक्स्ट जो कलर हम हमको यूज़ करना है वो करना है ऑरेंज कलर सो हमारे पास में वर्मिलियन है और अगर ये भी आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डार्क है तो आप चाहे तो इसमें लेमन येलो ऐड कर सकते हैं सो मैं यहाँ पे एक ऑरेंज लेमन येलो कलर यूज़ कर रहा हूँ और लेमन येलो में थोड़ा सा मैं रेड या वर्मिलियन मिक्स करके उसको थोड़ा सा लाइट करूँगा बिकॉज़ जो पोस्टर कलर में ऑरेंज है वो थोड़ा सा डार्क है सो मैं यहाँ पर हल्का सा मिक्स करके उसी ऑरेंज को थोड़ा सा लाइट कर रहा हूँ लास्ट में जाके हम यूज करने वाले हैं ग्रीन कलर सो so, ग्रीन में भी हम लाइट शेड यूज करेंगे लाइट ग्रीन और रिमेनिंग जो बैकग्राउंड है हमारा उसमें हम सब जगह यूज़ करने वाले हैं येलो कलर सो पूरे में आप येलो पोस्टर कलर कर दें एंड मेक श्योर कि आपका जो हैंड है वो वर्टिकल डायरेक्शन में ज़्यादा मूव करे क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन से पैचेस थोड़े से कम आते हैं सो so, आप वर्टिकल डायरेक्शन पे ज़्यादा अच्छे से फोकस करें एज कंपेयर टू हॉरिजेंटल डायरेक्शन और उसके बाद में आप ब्लैक स्केच पेन का यूज़ करके आउटलाइन कर देंगे तो कोई भी अगर मिस्टेक आपकी तरफ से रह गई है तो वो करेक्ट हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा पैची पैची सा आपका शीट नहीं दिखेगा हाँ जहाँ पे बॉर्डर है वहाँ पे ऑब्वियसली आपको ज़रूरत होगी हॉरिजॉन्टल लाइन की जैसे ये है तो यहाँ पे मुझे हॉरिजेंटल लाइन की नीड है तो मैं यूज़ करूँगा लेकिन उसके बाद रिमेनिंग पार्ट में मैं इस तरीके से वर्टिकल से ही उसको कवर करूँगा ठीक है तो इस तरीके से आपको पूरा ऊपर से लेके नीचे तक और पोल पार्ट में भी कवर करना है जो ऊपर का पार्ट है हमारा वहाँ पे हमको यूज़ करना है ब्लैक कलर और यहाँ पे भी हमको ब्लैक यूज़ करना है तो यहां पे हम पोस्टर में ब्लैक कलर यूज कर रहे हैं पहले आप आउटलाइन पे वर्क करेंगे फिर आप अंदर का फिल करेंगे कुछ इस तरीके से रिमेनिंग जो नीचे का पार्ट है उसको भी आप पूरा ब्लैक करेंगे सो अगर आप चाहें छोटे ब्रश से हो जाता है तो ठीक है और अदरवाइज़ आप थोड़ा बड़ा ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं उसमें तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक बड़ा ब्रश यूज़ कर रहा हूँ तो अब देखेंगे कि हमारा जो रोड का कलर है ब्लैक कलर वो भी हो चुका है अब थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्राइप को छोड़ के रिमेनिंग जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें पूरे में हम स्काई ब्लू कलर करेंगे बिल्कुल लाइट टोन रखेंगे ब्लू का तो जैसे उसके लिए क्या करना है हमको थोड़ा सा वाटर अप्लाई करना है जैसे मैं हर पेंटिंग में बताता हूँ थोड़ा सा वाटर अप्लाई करना है और ब्लू कलर को स्प्रेड कर देना है क्योंकि ये एरिया बहुत ज़्यादा वैट है तो इसको थोड़ा इस तरीके से मूव कर लेते हैं हम लोग देखेंगे कि जैसे थोड़ा सा हमने क्योंकि तो पोस्टर कलर है तो थोड़ा सा सेफ्टी से आपको करना होगा अदरवाइज क्या होगा कि कलर सारा स्प्रेड हो जाएगा इस तरफ आ जाएगा पोस्टर कलर बहुत जल्दी फिर से मिक्स हो जाता है सो यहाँ पे आप थोड़ा सा आपने ब्लू कलर लिया और लाइट शेड देना है आपको ब्लू का बहुत ज्यादा डार्क नहीं करना है कुछ इस तरीके से और इस तरीके से आपको वर्क पूरे में कर लेना है और लास्ट में हम ब्लैक स्केच पेन से जितना भी जो हमने ड्राइंग किया है उस सबका आउटलाइन करेंगे ताकि एक फिनिशिंग टच इसको मिल जाएगा कुछ इस तरीके से हर पार्ट पे हम ब्लैक स्केच पेन के आउटलाइन करेंगे तो so, आप देखेंगे कि आउटलाइन ब्लैक आउटलाइन करते ही इसमें पूरी एक नीटनेस और फिनिशिंग आ गई है सो so, आप भी इस ड्रॉइंग को बनाइए जो कि आपकी बुक के पेज नंबर फिफ्टी टू और फिफ्टी थ्री पे है और अपनी क्रिएटिविटी को और ज़्यादा इन्हेंस करिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो